फ्रेंड्स तमे मारी चैनल पर नवा हो तो प्लीज चैनल ने सब्सक्राइब करो और लेटेस्ट वीडियो ने जानकारी माटे बेल आइकॉन ने क्लिक करो। वेलकम टू विपुलास किचन। फ्रेंड्स आज हम काले चने की सब्जी बनाने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने पैन में 2 टेबलस्पून घी और 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और गैस को चालू कर दिया है और चने को मैंने ओवरनाइट सोक करके उसे अच्छे से प्रेशर कुक कर दिया है। 2 टमाटर, 1 इंच आलू का टुकड़ा, जिंजर और गार्लिक की मैंने पेस्ट कर दी है और अनियन को चॉप करके रखा है। बाकी का घर का बेसिक मसाला और छोले मसाला, बस इसी से ही हम काले चने की सब्जी बनाएंगे। तो अभी हमारा ऑयल आ गया है, उसमें हम 1/4 टीस्पून जीरा और 1/8 टीस्पून हींग का तड़का लगाएंगे। अभी जीरा अच्छे से ब्राउन हो जाए तो उसमें हम चॉप्ड अनियन ऐड करेंगे, उसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड करेंगे ताकि हमारा अनियन अच्छे से ब्राउन हो जाए और उसे ब्राउन कर लेंगे। देखो हमारा अनियन का कलर चेंज हो गया है। अभी हमने रेडी की हुई जो पेस्ट है टमाटर की वो ऐड करके उसे सौते कर लेंगे। अभी तेल एकदम छूट जाए सब्जी में, हमारी ग्रेवी में से, तब तक उसे कुक करेंगे। आप देख सकते हो फ्रेंड हमारी ग्रेवी का कलर कितना रिच लग रहा है, पूरा ऑयल रिलीज हो गया है। अभी उसमें हम मसाला करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अभी सॉल्ट ऐड कर रही हूँ मैं टेस्ट के हिसाब से और ये सब सामग्री को मैं अच्छे से कुक कर लूंगी 1-2 सेकंड तक। ध्यान रखना हमारी ये सामग्री जल भी ना जाए और कच्ची भी नहीं रहे, वरना सब्जी का टेस्ट खराब हो सकता है। आप देख सकते हो फ्रेंड अच्छे से सब कुक हो गया है, मिक्स हो गया है मसाला और ऑयल भी रिलीज हो गया है। अभी मैंने ये जो चने लिए हैं उसमें थोड़े चने मैंने ऐसे मेस कर दिए हैं, इसके कारण ये अच्छी से ग्रेवी बन जाएगी सब्जी की। तो थोड़ा मेस करके मैंने जो रखा हुआ है चना और वो मैं पूरा इसमें ऐड करके मिक्स कर दूंगी। अभी मैं उसमें छोले मसाला ऐड करूंगी, वो हमको ज्यादा ऐड करना है 1 टेबल स्पून तक। और चने को जब हमने बॉईल किया तो उसका जो पानी था वो भी हमको ले लेना है। अभी कसूरी मेथी 1 टीस्पून में ऐड कर रही हूँ। थोड़ा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से उसे सेट कर लेंगे कि हमारी सब्जी लचका पड़ती रहे उस टाइप की, उसकी अच्छे से ग्रेवी आए। और 5 मिनट ढक्के कुक करना है। देखिए मैंने 5 मिनट ढक्के कुक किया है तो आप देख रहे हो पूरा ऑयल ऊपर आ गया है और उसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी गैस बंद करके मैं धनिया ऐड करूंगी और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करूंगी और ढक्के उसे 5 मिनट तक मैं साइड पे रख दूंगी। मिक्स करके ढक्के 5 मिनट में साइड पर रख दूंगी। देख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी सब्जी कितनी अच्छी है और इसका जो ग्रेवी है कितने एकदम घट है, पानी भी अलग नहीं हो रहा है। तो ये रेसिपी जल्दी से बन जाती है, तो सुबह में लंच में भी देने के लिए हस्बैंड को बहुत इजी रहती है, फटाफट बन जाती है, बहुत टेस्टी है। तो फ्रेंड्स ये सर्व करने के लिए रेडी है। थैंक यू।